नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहोट। आज हम करहस गांव में हैं, जहां करहस गांव में स्थित आशादीप आदर्श उच्च विद्यालय के छात्रों ने पूरे हरियाणा में दसवीं के परीक्षा परिणाम में परचम लहराते हुए, यहां की एक छात्रा तमन्ना ने पूरे हरियाणा में टॉप करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बेटी तमन्ना, उनके पिता सत्यनारायण जी जो एक लाइब्रेरियन है एक कॉलेज में, वो हमारे साथ है और स्कूल स्टाफ यहाँ मौजूद है। बात करते हैं तमन्ना से। बेटी ये आपको सफलता के लिए बधाई। थैंक यू सर। आई एम तमन्ना। आई एम अपियर्ड माय मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम आशादीप आदर्श हाई स्कूल एंड आई हैव गॉट 496 मार्क्स आउट ऑफ 500 एंड secure third position in state. My father's name is Mr. Satyanarayan. He is a librarian and my mother is Mrs. Meena. She is a housewife. And I, for this grand opportunity, I give all the credit to my school, to my teachers and my parents. And I want to become MBBS doctor in future. तो इसका जो आपकी जो सफलता है उसका राज क्या है? इसके लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। स्कूल में से जाने के बाद घर पे 6 से 8 घंटे पढ़ाई की है और फ़ोन को मैंने बहुत बहुत कम यूज़ किया है। तो आगे क्या बनना चाहते हो? आगे मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों MBBS ही क्यों? ताकि मैं अपने देश के लोगों की सेवा कर सकूँ। पहले कोई है डॉक्टर आपके परिवार में कोई? सर मामा जी हैं LT। तो उन्हीं से मतलब इंस्पायर हुए? यस सर। उनके बेटी के जो पिता सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं, सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेटी ने आज हरियाणा में नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है? सर बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि जो है तमन्ना जो तीसरी पोजीशन पाई पूरे हरियाणा में, ये इसका जो लक्ष्य है MBBS डॉक्टर बनने का है। इतना ही नहीं, इसी स्कूल के जो आदर्श आशादीप आदर्श उच्च विद्यालय करंस है, इसके दो एक वंशिका बेटी वंशिका और नितिन कुमार, इन्होंने भी 5वीं पोजीशन पूरे हरियाणा में हासिल की है और अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का और जिला पानीपत का नाम रोशन किया है। वंशिका बेटी नमस्कार। आशादीप आदर्श हाई स्कूल, आई गोट 5th पोजीशन इन द स्टेट। तो क्या बनना चाहते हो? आई वांट टू बिकम NIS ऑफिसर। तो आपकी जो सफलता उसका राज क्या है? My all teachers and family members. कितने घंटे रोज पढ़ते थे? 4-5 hours after school. Okay. किससे साथ ज़्यादा किससे मिला? खुद से। और मेरा नाम नितिन है और मेरे पिता का नाम मिस्टर राजेश कुमार है और वह एक फार्मर है और मेरी माता का नाम मिसेस सुमन है और वह एक हाउस वाइफ है और मैंने दिल्ली 4-5 hours और पढ़ाई दी है और दिल्ली तमाम दिल्ली दिया मैंने। थैंक यू। क्या बनना चाहते हो? और मैं और MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मदद होती। इन बेटियों की सफलता से गदगद स्कूल में खुशी का माहौल है। स्कूल स्टाफ व प्रबंधक वीरेंद्र सहरावत द्वारा दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में प्रदेश में स्कूल का नाम चमकाने वाली इन बेटियों तमन्ना व वंशिका के अलावा छात्र नितिन कुमार का फूल व नोटों की मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल के प्राचार्य महेंद्र कुमार शास्त्री व अध्यापिकाओं ने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। मेरा नाम महेंद्र कुमार शास्त्री, आशादीप आदर्श हाई स्कूल का प्रिंसिपल, और इस परीक्षा परिणाम से हम सभी गौरवान्वित हैं। इसके लिए इन बच्चों को, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है शुरू से लेकर के और आखिर समय तक, जिन्होंने एक अपने आप को इस परीक्षा परिणाम के लिए पूरी तरह से तैयार किया और उसी का परिणाम है कि आज ये सफलता इनको मिली है। सर मेरा नाम किस्मत देवी है, मैं यहाँ सोशल साइंस और इंग्लिश की अध्यापिका हूँ मैं यहाँ। तो आज जैसा परिणाम आया है, क्या इसकी आपको आशा थी? यस बिल्कुल, हमें उम्मीद थी और हमें पूरा यकीन था
क्योंकि इतना हार्ड वर्क हमारे टीचर्स, मेरे जो कलीग्स हैं वो कर रहे थे। और हर बार ऐसा ही होता है कि हम जो टॉपर्स रहते हैं, और ये आशादीप स्कूल का पूरे हरियाणा में नाम है इन्हीं स्टाफ मेंबर्स की वजह से और इन बच्चों के हार्डवर्क की वजह से। तीन तीन बच्चे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं के परीक्षा परिणाम में प्रदेश की टॉप 10 सूची में अकेले करंस के आशादीप आदर्श हाई स्कूल के तीन बच्चों ने तीसरा व पांचवा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, तीन साल पहले भी आशादीप स्कूल के बच्चों ने प्रदेश में अपना परचम लहराकर अपने स्कूल का आदर्श स्थापित कर चुके हैं। विनोद लाहोट, आज समाचार, करंस, समालखा।